हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सी। पोर्टुगीज लीग का मैच हो रहा है स्पोर्टिंग वर्सेस रियो एव के बीच 1:15 PM, एंड स्पोर्टिंग टीम इज़ अ ग्रेट टीम। लास्ट सीजन पोर्टुगीज लीग में 90+ गोल का रिकॉर्ड था इस टीम का, और स्पोर्टिंग टीम फर्स्ट आई थी। आज हर लीग की शुरुआत हो गई है ना, आज पोर्टुगीज लीग का पहला मैच, बेल्जियन लीग की इन दोनों टीम्स का पहला मैच, तुर्की लीग का पहला मैच है, दानिश लीग का आई थिंक पता नहीं दूसरा तीसरा मैच है। तो आपको फ़ायदा है, मतलब इतने सारी लीग स्टार्ट हो रही है, बस प्रीमियर लीग होने वाली है, एक हफ्ते की बात और रह गई। कोई बात नहीं, सारे मैच वी हैव टू कवर। तो टेलीग्राम चैनल आप देख चुके हो, फिर एक बार बता दूं कि लिंक मेरे भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक क्लिक करोगे जुड़ जाओगे। और मैं सोच रहा हूं कि इस मैच की टीम आपको ओपन दूं, तो अगर मैंने दी तो आप ज़रूर खेलना, मेरे को कोई लालच नहीं है, ठीक है, आराम से खेलना, क्योंकि रात को क्लैश नहीं होगा। मेरे कई प्राइम मेंबर्स उस वक्त आई थिंक सो चुके होते हैं, और जो लोग जागे होंगे वो जस्ट खेलेंगे, तो आपका क्लैश नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात की जाए तो मेरे भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर वी ग्योकेरेस, जो कि इस टीम का काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेयर रहा है पिछले दिनों, एक मेरे को इनका ट्रियो बहुत पसंद है, एक ये और इनकी एक टीम का एफ ट्रिंकाओ, जो कि रेयर गोल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस हिसाब से आज लोगों ने इसको अपनी टीम में लिया है, मुझे लगता नहीं कि ये आज आपको ज़ाया जाने देगा। मुझे को लगता है कि एक आध असिस्ट या फिर एक आध गोल कर सकता है, मतलब फुल चांसेस तो नहीं है, फुल चांसेस तो मेरा सिर्फ दो खिलाड़ियों के ऊपर है, एक वी ग्योकेरेस एंड मेरा एक अनदर प्लेयर, मेरा दिल का खतरनाक, मतलब मेरा, मैं इसका फ़ैन हूँ दिल से, उसका नाम है एफ कॉन्क्लेव्स। भाई साहब, पेड्रो कॉन्क्लेव्स को मैं आज भी सैल्यूट मारता हूँ, कि इस जैसा प्लेयर भाई मैंने नहीं देखा, ऐसी लीग में इतना अच्छा प्रदर्शन, इस टीम में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, मैं किस किस को लूँ आपको नहीं पता, लेकिन जब मेरी टीम में कॉन्क्लेव्स आ गया ना, तो लिटरली मेरा थिंक करने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक प्लेयर और लूँगा जिसका नाम है पोलिनो। अब पोलिनो ने अगर टीम छोड़ दी, क्योंकि मेरे को सुनने में आ रहा है कि पोलिनो ने ना शायद टीम लेफ्ट की है, तभी उसका नाम नहीं दिख रहा, और तो अभी ना वो कंफर्म नहीं हुआ दूसरी टीम में, अगर वो हो चुका है तो फिर उसकी जगह पर जी क्वेंडा खेलेगा। और मैं आपको बता दूं कि क्वेंडा अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत में बहुत एक अच्छा प्लेयर था, बीच में काफ़ी अप एंड डाउन आए, लेकिन क्वेंडा ने उसको हैंडल किया, और जिन्होंने क्वेंडा को नहीं लेना वो लोग एन गॉम्स को लेंगे, और एन गॉम्स का मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बिना गोल करे 30 पॉइंट से ऊपर देकर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये बंदा इंस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन चांस क्रिएशन में राजा है, इसलिए मैं अभी इसको सेव कर रहा हूँ, एम एडवर्ड्स को भी नहीं कर रहा, अभी थोड़ा टाइम लेंगे, आपको टीम जब ओपन देंगे तो सोचेंगे। उसके बाद अगर आगे बात करें ऑपोजिशन टीम की, तो उनका एक प्लेयर है ब्रोसई, रियो टीम थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन ब्रोसई इनका कमज़ोर नहीं है, वो फंस चुका है इस टीम में, अब क्या करें भाई, पूरी टीम के साथ बैठ कर चलना पड़ता है, अब इसकी गलती भी नहीं है। और मिडफील्डिंग सेक्शन की अगर बात करूँ तो एफ रोनाल्डो, रोनाल्डो के बाद अमिन को जरूर लेना, क्योंकि मैं नॉविस को टीम में नहीं ले रहा, क्योंकि रिस्क लेने का कोई हालात मेरे को दिख नहीं रही है यहाँ पर। एंड डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें, सेंट जे सेंट जस्ट को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लूँगा। उसके बाद इग्नाशियो, इसका फ़ैन हूँ जी, इग्नाशियो ने पोर्टुगल की तरफ से जब दो गोल किए थे कि मैच में, और वो था आई थिंक 2023 का कोई मैच था, मेरे को तब से मैं इसका फ़ैन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर वॉज इसगाइयो, इसगाइयो नहीं खेला था, नीचे से कोई भी प्लेयर खेल सकता है। एंड अगर आगे से बात करें गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर मैं लूँगा जे लुइस को। एंड बात करें कैप्टन की, मेरा कैप्टन है पेड्रो कॉन्क्लेव्स और वाइस कैप्टन वी ग्योकेरेस। चेंज मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, चेंज करते ही हारोगे, कॉम्बिनेशन में कोई भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा थिंकिंग करके चेंज मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।